दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, यानी कि आईपीएल की सभी 10 टीमें आईपीएल के ऑक्शन में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी, सभी टीमों का पर्स बैलेंस और ऑक्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सभी 10 टीमों के पास ऑक्शन में लगभग 20 से 30 करोड़ का पर्स बैलेंस अवेलेबल होगा और इतने पर्स बैलेंस में सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड में लगभग 7 से 10 प्लेयर्स को परचेज करती हुई नजर आएगी। तो अब बात करते हैं वन बाय वन सभी टीमों के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और इस टीम के प्लेइंग 11 को आप ध्यान से देखेंगे तो साल 2022 में इस टीम के सभी ओपनर्स फ्लॉप साबित हुए थे। तो ये टीम ऑक्शन में क्रिस लिन देवदत्त पड्डीकल को नए ओपनिंग पेयर के तौर पर टारगेट कर सकती है। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये टीम ऑक्शन में मुस्ताफिजुर रहमान को टारगेट करना पसंद करेगी। तो कोलकाता की टीम ऑक्शन में मुख्य रूप से ओपनर्स को टारगेट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आईपीएल 2022 में इस टीम का ओपनिंग पेयर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और हैदराबाद की टीम ऑक्शन में एक ऐसे विदेशी ओपनर को तलाशेगी जो कि केन विलियमसन को रिप्लेस करके पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी कर सके। तो इस वजह से ये टीम ऑक्शन में एलेक्स हिल्स और जेसन रॉय दोनों प्लेयर्स को टारगेट करेगी। हालांकि इनमें से किसी एक प्लेयर को ही ये टीम खरीदेगी। इसके साथ ही ये टीम साकिब अल हसन और जो रूट को भी टारगेट कर सकती है, जहां पर जो रूट को ये टीम नया कप्तान भी बना सकती है, क्योंकि केन विलियमसन काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब किंग्स की टीम के प्लेइंग 11 को आप ध्यान से देखेंगे तो इस टीम का प्लेइंग 11 ऑन द पेपर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन इस टीम को एक बेहतरीन लीडर की आवश्यकता है और हो सकता है कि 2023 में ये टीम अपना कप्तान बदल दे। तो इस वजह से ये टीम स्टीव स्मिथ को ऑक्शन में टारगेट करेगी, जो कि कैप्टनशिप का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। और मिडिल ऑर्डर के लिए ये टीम कैरन पोलार्ड को भी ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कैरन पोलार्ड कम दामों में पंजाब किंग्स की टीम को मिल जाएंगे और ये काफी बेहतरीन प्रदर्शन मिडिल ऑर्डर में करके दे सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेकर साफ तौर पर बता दिया है कि ये टीम ऑक्शन में 100% सैम करन को टारगेट करेगी। इसके साथ ही सुरेश रैना और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को भी ये टीम ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, जहां पर रैना इस टीम को कम दाम में मिल जाएंगे। वहीं स्टार्क को ये टीम इसलिए परचेज करेगी क्योंकि चेन्नई के प्लेइंग 11 में एक भी बेहतरीन विदेशी बॉलर नहीं है। तो इस वजह से ये टीम एक्सपीरियंसेबल गेंदबाज मिचेल स्टार्क को ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में जोफ्रा आर्चर की वापसी हो जाएगी तो मुंबई का बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये टीम ऑक्शन में एक ऐसे स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी जिससे इस टीम को बेहतरीन स्पिन बॉलर मिल जाए, क्योंकि करेंटली मुंबई के प्लेइंग 11 में कोई भी बेहतरीन स्पिनर नहीं है। तो इस वजह से ये टीम ऑक्शन में वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स को टारगेट करेगी जो कि स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, और पोलार्ड की रिप्लेसमेंट के लिए ये टीम जेसन होल्डर को ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि होल्डर डेथ में बेहतरीन गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 भी ऑन द पेपर काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी इस टीम को एक फॉरेन के फास्ट बॉलर की तलाश है, क्योंकि रबाडा के जाने के बाद एनरिक नोरखिया का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। तो इस वजह से हाईली चांस है कि दिल्ली कैपिटल्स किसी विदेशी तेज गेंदबाज को टारगेट करे, और मुख्य रूप से पैट कमिंस के ऊपर ही ये टीम ऑक्शन में बिडिंग करेगी, और इसके साथ ही मैथ्यू वेड को भी ये टीम ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अपने प्लेइंग 11 से टीम साइफर्ट को
बाहर करेगी तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मैथ्यू वेड को ये टीम एज ए विकेट कीपर अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और आरसीबी का प्लेइंग 11 और परफॉर्मेंस आईपीएल 2022 में काफी बेहतरीन था, लेकिन फिर भी इस टीम को एक बैकअप विकेट कीपर की तलाश है, तो इस वजह से ये टीम पूरन को ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। इसके साथ ही बेन स्टोक्स और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को भी आरसीबी ऑक्शन में टारगेट करेगी। और स्टोक्स को तो ये टीम इसलिए टारगेट करेगी क्योंकि बेन स्टोक्स गेंदबाजी भी चार ओवर करके दे सकते हैं, और स्टार्क को ये टीम ऑक्शन में इसलिए टारगेट करेगी क्योंकि ये टीम अपने स्क्वाड से जेसन बहरेन ड्रॉप को रिलीज करने वाली है, तो उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के लिए ऑक्शन में स्टार्क के ऊपर आरसीबी की टीम बोली लगाएगी। तो कुल मिलाकर के आरसीबी इसी ऑक्शन स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी टीम है लखनऊ सुपर जायंट की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट की टीम के बारे में बात करें तो इस टीम को मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाज की तलाश है, तो इस वजह से कैरन पोलार्ड को ये टीम ऑक्शन में अपने रडार पर ले सकती है। इसके साथ ही पैट कमिंस, मुस्ताफिजुर रहमान और सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स को लखनऊ की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये टीम पैट कमिंस को इसलिए टारगेट करेगी क्योंकि दुश्मनता चमीरा को लखनऊ अपने स्क्वाड से बाहर करेगी, तो इस टीम को एक विदेशी तेज गेंदबाज की आवश्यकता होगी, और इसी वजह से ये टीम पैट कमिंस और मुस्ताफिजुर रहमान दोनों प्लेयर्स को टारगेट करेगी। और रैना को ये टीम इसलिए टारगेट करेगी क्योंकि रैना लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और रैना के आने के बाद लखनऊ का ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इस वजह से हाईली चांस है कि लखनऊ रैना को ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आ जाए। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस अगर आप आईपीएल 2022 में देखेंगे तो इस टीम ने मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, और हेटमायर को छोड़ दिया जाए तो इस टीम ने जिस किसी भी ऑलराउंडर को प्लेइंग 11 में मौका दिया था वो ऑलराउंडर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया था, तो इस वजह से ऑक्शन में ये टीम मुख्य रूप से ऑलराउंडर्स को टारगेट करेगी जिसमें नाम आता है साकिब अल हसन, बेन स्टोक्स और मोहम्मद नबी का। और स्टोक्स के ऊपर तो ये टीम लगभग 10 से 12 करोड़ तक की बिडिंग करेगी क्योंकि स्टोक्स पहले भी राजस्थान की टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे चुके हैं, तो हाईली चांस है कि राजस्थान की टीम ऑक्शन में बेन स्टोक्स के ऊपर अच्छी खासी बिडिंग करती हुई नजर आ जाए। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2022 में नंबर 3 पर काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था क्योंकि नंबर 3 पर इस टीम को बेहतरीन बल्लेबाज नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से ये टीम नंबर 3 के लिए मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना को टारगेट करेगी। इसके साथ ही एवन लुइस और निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स को भी गुजरात की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, जहां पर मैथ्यू वेड को रिलीज करके ये टीम पूरन को अपने प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है क्योंकि पूरन T20 क्रिकेट के काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। तो यही था सभी 10 टीमों का ऑक्शन स्ट्रेटजी आईपीएल 2023 के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।